हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जहां पर हम बात करने वाले हैं शॉन माइकल की वापसी के एक बड़े मैच के बारे में जो कि हमें WWE में दिखाई देने वाला है। इसके अलावा बात करने वाले हैं डैनियल ब्रायन की कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में भी, और साथ में बात करने वाले हैं द शील्ड करने वाले डिस्ट्रॉय ब्रॉन स्ट्रोमन, ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर, और साथ में पूरे रॉक के लॉकर रूम को। होते देर किस बात की, शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले हार्ट ब्रेक किड के बारे में, जिनकी वापसी हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में दिखाई दी थी, और हमें अंडरटेकर और शॉन माइकल के बीच एक बड़ा सेगमेंट देखने में मिला था, जहां पर हमें अंडरटेकर और शॉन माइकल दोनों आपस में खिलाफ लड़ते हुए नजर आए थे। क्योंकि यहां पर शॉन माइकल कहना यह था कि ट्रिपल एच जीतने वाले सुपर शोडाउन इवेंट में, और अंडरटेकर कहना यह था कि वो ट्रिपल एच और शॉन माइकल दोनों को काफ़ी आसानी से हरा सकते हैं। तो रूमर्स का मानना यह कि हो सकता है हमें आने वाले टाइम में शॉन माइकल वर्सेज अंडरटेकर के बीच एक सिंगल्स मैच देखने में मिले, या फिर ये भी हो सकता है हमें शॉन माइकल एक टैग टीम मैच में कम्पीट करते हुए नजर आए, जहां पर शॉन माइकल एंड ट्रिपल एच हमें अंडरटेकर का फेस करते हुए नजर आए। अभी फिलहाल अंडरटेकर या अपोनेंट के बारे में कोई भी रूमर सामने नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें अंडरटेकर वर्सेज शॉन माइकल के बीच एक बड़ा सिंगल्स मैच भी देखने को मिले। लेकिन वही बात कर लेते हैं हम दूसरे अपडेट के बारे में, जो कि जुटी है डैनियल ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। पहले काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि डैनियल ब्रायन WWE को जल्द ही लीव करने वाले, लेकिन कुछ बड़े रूमर सामने आए हैं जिनका मानना है कि डैनियल ब्रायन ने फाइनली एक नवा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया WWE के साथ। और सुपर शोडाउन इवेंट में जब हमें डैनियल ब्रायन वर्सेज मिस के बीच मैच देखने वाला है, इस मैच में हमें डैनियल ब्रायन जीते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद हमें WWE चैंपियनशिप की फ्यूड में जाते हुए नजर आएंगे, और फाइनली हमें डैनियल ब्रायन WWE में एक और बार फिर से WWE चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल बेट के बारे में, जो कि जुड़ी है द शील्ड के डिस्ट्रॉय करने के बारे में और अटैक करने के बारे में, जो कि वो करने वाले रॉ के लॉकर रूम पर, और साथ में ब्रॉन स्ट्रोमन, ड्रू मैकइंटायर एंड डॉल्फ ज़िगलर पर। क्योंकि इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें पूरा रॉ का लॉकर रूम और साथ में ड्रू मैकइंटायर, डॉल्फ ज़िगलर और ब्रॉन स्ट्रोमन अटैक करते हुए नजर आए थे तो शील्ड पर। तो रूमर्स का मानना यह है कि हो सकता है अगर सेथ रॉलिंस की इंजरी हमें सीरियस दिखाई दे, यानी कि सेथ रॉलिंस की इंजरी का असर इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हो, तो हमें डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंस के साथ द डीमन किंग फिन बैलर दिखाई दे सकते हैं, और वो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में शील्ड को ज्वाइन करने वाले हैं। साथ में हमें द बी टीम और द रिवाइवल भी डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंस के साथ दिखाई देगी। इसके अलावा हो सकता है जो रॉ के लॉकर रूम के फेस सुपरस्टार है वो हमें हील सुपरस्टार के अगेंस्ट दिखाई दे, और पूरे रॉ के लॉकर रूम का हमें एक बड़ा ब्रॉल रिंग के बीचों बीच दिखाई दे, और वहां पर उसके बाद एंड में द शील्ड एक पावर बॉम्ब लगाते हुए नजर आए ब्रॉन स्ट्रोमन, डॉल्फ ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर को, और फाइनली हमें रॉ में द शील्ड अपना बदला लेती हुई नजर आए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो जल्दी से कर देना आप इस वीडियो को लाइक। इसके अलावा कमेंट करके आप मुझे बताना कि आप देखना चाहोगे बी टीम, रिवाइवल और फिन बैलर को रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस का साथ देते हुए या फिर नहीं। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इस तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।